वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि कल मैंने आपको एक नोट प्रोवाइड किया स्टडी मटेरियल, तो उससे आपको क्रॉनिंग पेनी मॉडल थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो आज हम बात करेंगे ब्रिलियन जोन्स की। जब हम डायरेक्ट लैटिस की बात करते हैं, जब हम डायरेक्ट लैटिस, जो रियल लैटिस होता है, जिसको हम फिजिकल लैटिस भी कहते हैं, फिजिकल लैटिस, तो डायरेक्ट लैटिस या फिजिकल लैटिस पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, विग्नर सीट्स सेल। विग्नर सीट्स सेल हैज मिनिमम पॉसिबल वॉल्यूम इन दिस लैटिस। तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम एक रेफरेंस लैटिस पॉइंट लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके मोस्ट नियर नेबरहुड में कितनी लैटिस पॉइंट्स हैं, उनके साथ हम इसको ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जो ये लाइन्स ज्वाइन करते हैं, इनको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक और पॉइंट होगा, यहाँ पर एक और लैटिस पॉइंट होगा, एक और लैटिस पॉइंट होगा। तो वी ज्वाइन ऑल दोज लैटिस पॉइंट्स विद आवर रेफरेंस पॉइंट। याद रखें, रेफरेंस पॉइंट ये बीच में है, पथ 6 सीमन। फिर हम सारी लाइंस को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। दीज आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से जो ये बीच में एरिया एनक्लोज हुआ, इट हैज द मिनिमम सरफेस एरिया इन टू डायमेंशनल प्लेन। तो इसको हम विग्नर सीट सेल कहते हैं। इन रियल लैटिस जो 3 डायमेंशनल होगा, तो वहां पे ये एरिया नहीं होगा, वहां पे ये वॉल्यूम होगा, लेकिन ये मिनिमम वॉल्यूम होता है। और जब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमें पूरा क्रिस्टल मिलेगा। जिस तरह एक मकान में एक ईंट को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमें एक फुल फ्लेज्ड मकान मिलता है। तो इसी तरह रेसिप्रोकल लैटिस में, इन रेसिप्रोकल लैटिस जब हम एक विग्नर सीट सेल बनाते हैं तो वी गेट ब्रिलियन जोन। सो व्हाट इज ब्रिलियन जोन? ब्रिलियन जोन इज नथिंग बट इट इज सिंपली विग्नर सीट सेल इन द रेसिप्रोकल लैटिस। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टू क्वांटिटीज। Along vertical axis, we have to plot energy, the allowed values of energy for electron, and along horizontal axis, we have to plot the wave vector k. अच्छा, दिस इज द ओरिजिन। और मैंने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेफ्ट हैंड साइड को भी ली है और राइट हैंड साइड को भी ली है। वाई? बिकॉज वेव वेक्टर के कैन हैव पॉजिटिव वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है ना बेटा? तो जब हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन एनर्जी एंड वेव वेक्टर, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा उसको हम ई के डायग्राम कहते हैं, यानी कि एनर्जी वेव वेक्टर डायग्राम। और इसी का दूसरा नाम है बैंड स्ट्रक्चर। तो याद रखें, व्हाट इज बैंड स्ट्रक्चर? बैंड स्ट्रक्चर इज बेसिकली जब हम क्रॉनिक पेनी मॉडल में एनर्जी और वेव वेक्टर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है, बेसिकली हमें वो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। दिस इज द ग्राफ, ये हमें ग्राफ मिलता है। तो ये जो राइट हैंड साइड पे है, ये हम पाई बाई ए तक जाते हैं, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे हम -π/a तक जाते हैं। तो ये हमें ग्राफ मिलता है लाइक दिस, एक बाउल जैसा। तो दिस इज ई के डायग्राम, या इसी को हम बैंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो पहला रीजन है, बाय द वे, ये ग्राफ इसके बाद भी और भी ऐसे होगा लाइक दिस, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर डिसकंटिन्यूटी होगी,
फिर से ऐसे होगा, तो इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन जो पहला रीजन है माइनस पाई बाई ए से लेके प्लस पाई बाई ए तक जो रीजन है, यानी हम कहेंगे ऑल अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी, ऑल अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी फॉर के ranging from minus pi by a to plus pi by a, यहां से लेके यहां तक जब हम के values vary करेंगे, कहां से कहां तक, from minus pi by a to plus pi by a, तो आपको ये graph जो मिलता है, these are basically values of energy plotted and they are all allowed, तो इसको हम Brillouin zone कहते हैं। The concept of Brillouin zone was first developed by Leon Brillouin in 1930. इसलिए इनको हम Brillouin कहते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो Brillouin zone is defined as the Wigner-Seetz primitive cell in the reciprocal lattice. तो पहला जो Brillouin zone है, it is a uniquely defined primitive cell in a reciprocal lattice, और जो first Brillouin zone है यह हमें कैसे मिलेगा मैं आपको अभी बताता हूं। तो जिस तरह एक Bravais lattice, यानी जो एक direct lattice है, जो real physical lattice है, जिस तरह हम एक Bravais lattice को divide करते हैं into Wigner-Seetz cell in the real lattice, और जब हम इस Wigner-Seetz सेल को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें फुल फ्लजड क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसी तरह जो रेसिप्रोकल लैटिस है, रेसिप्रोकल लैटिस इज सिंपली द ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड वेव वेक्टर, इसी का नाम बैंड स्ट्रक्चर है, इसी का नाम ईके डायग्राम है, इसी का नाम रेसिप्रोकल लैटिस है। तो इसी तरह इस रेसिप्रोकल लैटिस को हम डिवाइड करते हैं Brillouin zones में। तो पहला Brillouin zone जो है, we can draw a graph between E and K with the help of equation number 5. तो equation number 5 जो है, that is P into sine of alpha A by alpha A plus cos of alpha A is equal to, this is left hand side. और बेटा इसमें देखें, इसमें alpha आता है ना, alpha is related with energy as alpha square equals twice me by h bar square. तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब हम alpha की बात करेंगे, which is on the left hand side of this equation, तो आप ऐसा माने कि left hand side is a function of energy. Right hand side पे क्या है? Right hand side पे हमें है cosine of ka. So that means left hand side पे variable है alpha and alpha is related with energy. और right hand side में है cosine of ka. So that means this is our equation number 5. इसके left hand side में है alpha and alpha का मतलब है energy. और right hand side में है cosine of ka, that means the wave vector. तो using this equation 5 हम एनर्जी और वेव वेक्टर के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, ये जो कॉस ऑफ के ए है, ये तो आपको पता ही होगा कि जो कोसाइन फंक्शन है इट इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, अगर हम x को रिप्लेस करें विद इट्स नेगेटिव वैल्यू, वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन इवन फंक्शन है, यानी k का वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos ऑफ ka जो है, cos of ka should be equal to cos of ka plus 2 pi, right? Because चाहे sine function हो या cosine function हो, उसका period है 2 pi.
लेकिन अगर हम के का ये देखना चाहें, दैट मीन्स के इसको हम डिवाइड करें ए से, तो हमें मिलेगा के प्लस टू पाई बाई ए. सो व्हेन वी विल प्लॉट विद रेस्पेक्ट टू के, तो हमें पीरियड मिलेगा, यानी कि जो वैल्यू हमें किसी फंक्शन का के किसी वैल्यू पे मिले, वही हमें के प्लस टू पाई बाई ए पे मिलेगा. सो टू पाई बाई ए इज द पीरियड इन द के स्पेस. या जिस तरह हम कहते हैं कि अलोंग वर्टिकल एक्सिस एनर्जी प्लॉट करेंगे, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के प्लॉट करेंगे, तो इसमें पीरियड जो मिलेगा हमें वो 2 पाई बाय ए मिलेगा. वी विल गेट सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 2 पाई बाय ए. तो ये हमें ग्राफ मिलता है जब हम अलोंग वर्टिकल एक्सिस यानी अलोंग वाई एक्सिस हम एनर्जी प्लॉट करते हैं, एंड अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम वेव वेक्टर प्लॉट करते हैं. दिस इज वेव वेक्टर के. तो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज है और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज है, राइट. तो पहला ब्रिलियंट जोन कहां से कहां तक है? इट रेंजेस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए. इसको हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहते हैं. और इसमें जो भी आपको ये एनर्जी के वैल्यूज जो मिलते हैं, दे आर ऑल अलाउड. तो इसको पहला बैंड गैप, सॉरी, इसको पहला एनर्जी बैंड बी कह सकते हैं. अच्छा, उसके बाद ये देखें, देयर इज अ डिसकंटिन्यू इन द ग्राफ. और उसके बाद फिर से प्लस पाई बाई ए से लेके प्लस टू पाई बाई ए तक फिर से हमें एक और बैंड मिलता है. कैन यू सी कि पहला जो है वो एनर्जी बैंड है माइनस पाई बाई ए से लेके प्लस पाई बाई ए तक. लेकिन उसके बाद जो ये पिंक में शेडेड है, दीज वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर नॉट अलाउड. इसीलिए इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं. सी, दिस इज द गैप. उसके बाद फिर हमें एक कंटिन्यूअस कर्व मिलती है, दिस वन. दिस इज द कंटिन्यूअस कर्व. So this is another band of energies and all those energy values are allowed. उसके बाद फिर discontinuity मिलती है. So यहां से लेके यहां तक ये जो vertical line मैं draw कर रहा हूं, these values of energy are again not allowed. So this is another gap. तो KP model में, Kronig-Penney model में हमें electron की जो energy है वो हमें मिलती है पहले अलाउड कंटिन्यूअस वैल्यूज, फिर एक गैप आती है, फिर से हमें एक बैंड मिलता है ऑफ कंटिन्यूअस अलाउड वैल्यूज, फिर से एक गैप मिलती है. तो वी गेट ऑल्टरनेट बैंड्स, वी गेट ऑल्टरनेट अलाउड वैल्यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स, लेकिन उन बैंड्स के दरमियान गैप होती है. सो ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एनर्जी एंड के, तो इसी का नाम ई के डायग्राम है. दिस ग्राफ इज कॉल्ड ई के डायग्राम. और इसी का दूसरा नाम है बैंड स्ट्रक्चर. तो बैंड स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एनर्जी एंड वेव वेक्टर इन द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, या हम कहेंगे क्रॉनिग-पेनी मॉडल में. अच्छा, तो अगर हमें कहीं पे स्लोप देखना हो तो हमें एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगी कि उस, हमें देखना है कि अलोंग वर्टिकल एक्सिस क्या है, देयर इज एनर्जी. तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू हम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या प्लॉट कर रहे हैं, दैट इज वेव वेक्टर. तो जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस विल गिव मी स्लोप. स्लोप अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो डी ई बाई डी के विल गिव मी स्लोप. अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं, व्हाट डज गिव दैट अस, दैट गिव्स अस कर्वेचर. डी ई बाई डी के स्क्वायर गिव्स अस कर्वेचर. ये याद रखें कि
अगर हम एनर्जी को एक बार डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू वेव वेक्टर, वी गेट स्लोप टू टेंजेंट, लेकिन अगर एक और बार डिफरेंशिएट करें तो वी गेट कर्वेचर। चलिए हमें इस ग्राफ से कंक्लूजन्स क्या मिलते हैं। पहले तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि एक जोन है विच हैज गॉट वैल्यूज फॉर के फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए। इसमें इलेक्ट्रॉन हैज गॉट एनर्जी वैल्यूज विच आर अलाउड। तो इस जोन को हम फर्स्ट ब्रिलियंट जोन कहते हैं। हो सकता है कि पीजी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन भी आता है कि फॉर द वैल्यूज ऑफ के फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, तो दिस जोन इज कॉल्ड फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। इसी तरह हम उसके बाद देखते हैं कि ऑन राइट हैंड साइड फॉर वैल्यूज ऑफ के फ्रॉम प्लस पाई बाई ए टू प्लस टू पाई बाई ए, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में यानी नेगेटिव साइड में के फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू के इक्वल टू माइनस टू पाई बाई ए, इसको इकट्ठे ही मानना है। दिस इज द सेकेंड ब्रिलियंट जोन। लेकिन फर्स्ट ब्रिलियंट जोन और सेकेंड ब्रिलियंट जोन के बीच में एक ब्रेक है इन द एनर्जी वैल्यूज, और उसको हम फॉरबिडन रीजन कहते हैं या फॉरबिडन जोन कहेंगे या बैंड गैप कहेंगे कि दो बैंड्स के दरमियान गैप है। तो दूसरा ब्रिलियंट जोन जो है नेगेटिव वैल्यूज में के फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ के इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू माइनस टू पाई बाई ए, और इसी तरह पॉजिटिव वैल्यूज में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम प्लस टू पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए टू प्लस टू पाई बाई ए। इसी तरह हम हायर ऑर्डर ब्रिलियंट जोन्स भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर हम थर्ड ब्रिलियंट जोन बताना चाहें तो नेगेटिव वैल्यूज में के इट विल गो फ्रॉम माइनस टू पाई बाई ए टू माइनस थ्री पाई बाई ए, एंड पॉजिटिव वैल्यूज में जो के है इट विल गो फ्रॉम प्लस टू पाई बाई ए टू प्लस थ्री पाई बाई ए। तो दिस विल बी आवर थर्ड ब्रिलियंट जोन, एंड सिमिलरली आप हायर ऑर्डर ब्रिलियंट जोन भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे होती है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपने देखा कि पहले रीजन में व्हेन के बिकम्स माइनस पाई बाई ए वहां पर भी ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है, और राइट हैंड साइड में हमने देखा कि पाई बाई ए वहां पर भी डिसकंटिन्यूटी है। दिस वाज फॉर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। अच्छा, सेकंड ब्रिलियंट जोन में आपने देखा कि माइनस टू पाई बाई ए पे डिसकंटिन्यूटी है, प्लस टू पाई बाई ए वहां भी डिसकंटिन्यूटी है, एंड सो ऑन। थर्ड ब्रिलियंट जोन में आपने देखा होगा कि माइनस थ्री पाई बाई ए पे भी डिसकंटिन्यूटी है और प्लस थ्री पाई बाई ए पर भी डिसकंटिन्यूटी है। इट इज बिकॉज कि जो इक्वेशन फाइव के राइट हैंड साइड में कॉस ऑफ के ए है, हमें देखना है कि वो प्लस माइनस वन कब बनता है, वहां पे डिसकंटिन्यूटी आती है। और कॉस का वैल्यू प्लस माइनस वन तब बनता है व्हेन इट हैज गॉट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई। जब कॉस का अंदर जो एंगल है जब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो तो वो प्लस माइनस वन बनता है। तो हमने लिखा है दैट के ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई बाई ए, या के इक्वल्स प्लस माइनस एन पाई बाई ए। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पाई बाई ए आपको याद रखना है और इसके आगे एक इंटीजर लगाना है। सिंपल, वो इंटीजर सिंपली वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर इंटीजर को आप एन से डिनोट करना चाहें तो फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है। हेंस इट कैन बी प्लस एन पाई बाई ए, इट कैन बी आल्सो माइनस एन पाई बाई ए। तो दोनों को इकट्ठा करके क्या लिखेंगे कि व्हेन के हैज गॉट वैल्यू प्लस माइनस एन पाई बाई ए,
वो पॉइंट्स हमें डिसकंटिन्यूटी मिलते हैं, यानी वहां पे बैंड गैप मिलता है। ओके, लेट अस सी वेलोसिटी फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। बेटा यहां पे ध्यान दें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन इन द केपी मॉडल। ये मैं थोड़ा इसको कंट्रास्ट करने के लिए कि इन दोनों के दरमियान फर्क वाजिया करने के लिए मैं पहले फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन वी लर्नड इन क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फिर इसको हम कंट्रास्ट करेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसी है और एक क्रॉनिंग पेनी मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। बिकॉज क्रॉनिंग पेनी मॉडल मैं जब श्रोडिंगर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम ब्लॉक थ्योरम यूज करते हैं सॉल्यूशन के लिए। हेंस द इलेक्ट्रॉन्स विच ओबे क्रॉनिंग पेनी मॉडल उनको हम ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मैं इन दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कैसी होगी। ऑब्वियसली वेलोसिटी, सिंस वी डिफाइन मोमेंटम इक्वल्स मास टाइम्स वेलोसिटी, तो यहां से हमें वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी। वेलोसिटी इक्वल्स, इसको मास मल्टीप्लाई है, इसको इधर ले जाएंगे, ये मोमेंटम के डिवीजन में चला जाएगा। सो वेलोसिटी विल बी गिवन बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास, जो हमने यहां पे किया है। पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम एंड एम स्टैंड्स फॉर मास। अच्छा, मोमेंटम खुद हमें मिला एच बार के, तो हमें v मिलता है h बार k बाई m। तो हमें यहां से दिखता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, वेव वेक्टर। दिस इज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव वेक्टर। और ऑब्वियसली आप ग्राफ में भी देखते हैं कि जो डायरेक्शन वेव वेक्टर की है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की भी है। फॉर अ फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड वेव वेक्टर हैव गॉट सेम डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू वेव वेक्टर एंड पैरेलल टू वेव वेक्टर। एक तो प्रोपोर्शनल भी है और दूसरे पैरेलल भी है। नाउ लेट अस गो टू the velocity of the block electron। अब आइए क्रॉनिंग पेनी मॉडल में हम देखते हैं कि what is the relation between velocity and wave vector in KP model। ये जो आप inside circle या sphere देख रहे हैं, this is for K। यहाँ पे ये K vector डिनोट करता है एंड इट विल बी ऑब्वियसली ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। और बाहर जो हम वेक्टर दिखा रहे हैं दैट इज द वेलोसिटी। ओके, तो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो है इट इज बेसिकली अ वेव पैकेट, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बहुत सारी वेव्स होती हैं, एक वेव पैकेट होता है। तो वो जो पैकेट इकट्ठे चलता है तो उसकी हम वेलोसिटी को कहते हैं व्हाट आई मीन टू से ग्रुप वेलोसिटी। एंड ग्रुप वेलोसिटी जो है इसको हम वी जी से डिनोट करते हैं। ग्रुप वेलोसिटी, वी डिफाइन टू वेलोसिटीज फॉर इलेक्ट्रॉन। एक को हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो छोड़ दें, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू ए नंबर ऑफ वेव्स। उस कलेक्शन ऑफ वेव्स, उस ग्रुप ऑफ वेव्स को हम वेव पैकेट कहते हैं। तो अलग अलग वेव की जो अपनी अपनी वेलोसिटी है उनको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं, उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आप ऐसा समझें कि एक गाड़ी है और गाड़ी के अंदर बहुत सारे लोग हैं,
तो जो लोग हैं वो गाड़ी के अंदर यहां से वहां चल रहे हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटी मीनिंगलेस है। व्हाट मैटर्स कि वो कलेक्टिवली इकट्ठे गाड़ी में किस वेलोसिटी के साथ आगे ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो गाड़ी की वेलोसिटी है उसको आप ग्रुप वेलोसिटी माने, दैट इज द कलेक्टिव वेलोसिटी ऑफ ऑल द पैसेंजर्स। हाँ, अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो खुद भी उधर से उधर मूव कर रहे होंगे, उनकी वेलोसिटी हमारे लिए मीनिंगलेस है। तो इसी तरह इन क्वांटम मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू अ कलेक्शन टू अ पैकेट ऑफ वेव्स। तो हर एक वेव की जो वेलोसिटी है उसको हम फेज वेलोसिटी कहते हैं। दैट इज नॉट फिजिकली इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ग्रुप वेलोसिटी, एंड ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू के। ठीक है ना? तो ग्रुप वेलोसिटी इक्वल्स द डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू के। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के इज वेव वेक्टर। अच्छा, तो ओमेगा जो है हम एनर्जी लिख सकते हैं एच बार ओमेगा या एच टाइम्स न्यू। ये एक ही बात है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक्स कॉन्स्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता है। तो हम एच को भी डिवाइड करेंगे 2 पाई, तो ये 2 पाई मल्टीप्लाई भी करेंगे, दिस इज 2 पाई न्यू। नाउ एच डिवाइडेड बाय 2 पाई इट बिकम्स द रिड्यूस्ड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच बार, एंड 2 पाई न्यू ये फ्रीक्वेंसी थी ना, इसको अब हमने 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो एनर्जी इज इक्वल टू एच बार ओमेगा। तो यहां से हमें एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलती है, एच बार ओमेगा। अच्छा, ओमेगा किसके बराबर मिलेगा देन? ओमेगा विल बी इक्वल टू, इसको एच बार मल्टीप्लीकेशन में है तो वी विल गेट ई बाई एच बार। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो वी विल गेट डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू, ये जो डिवीजन में एच बार है ये तो कॉन्स्टेंट है, सो इट विल रिमेन एज सच 1/h बार। तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी? एनर्जी की होगी। तो वी विल गेट डी ई बाई डी के। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो डी ओमेगा बाई डी के है यहाँ पे, इसको हमने रखा बराबर 1/h बार डी ई बाई डी के, राइट? वाई अब आपको समझ में आ गया होगा। सो हमें वेलोसिटी मिलती है इक्वल टू 1/h बार डी ई बाई डी के। What is dE by dK? This is slope of EK diagram. So this is EK diagram. यहां हम वेलोसिटी वेव वेक्टर प्लॉट करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सीज, एंड अलोंग वर्टिकल एक्सीज हम एनर्जी प्लॉट करते हैं। सो V इज प्रपोर्शनल टू dE बाई dK। इसको जरा कंपेयर करें विद द वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन, वहां पे V प्रपोर्शनल था K, यहां पे V है प्रपोर्शनल टू dE बाई dK, द स्लोप ऑफ EK डायग्राम। तो द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन क्रॉनिंग पेनी मॉडल या इन अ बैंड इज प्रपोर्शनल टू स्लोप ऑफ ई के डायग्राम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू के। दिस इज द डिफरेंस। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इन स्टेट के इज प्रपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी इन के स्पेस। इसको हम ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू के। ग्रेडियंट का मतलब है कि एनर्जी
के डायग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते एनर्जी में कितनी चेंज होती है. व्हेन वी मूव बाय अ डिस्टेंस ऑफ डी के एनर्जी में कितनी चेंज होती है डीई. जब इनका हम रेशो लेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट. सो द वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी इन के स्पेस. ये पॉइंट लिखने लायक है. तो इसका मतलब है कि द वेलोसिटी इज नॉट नेसेसरली पैरेलल टू वेव वेक्टर. हाँ, अगर नियर सेंटर ऑफ द बैंड देखें, ये देखें, ये स्टार्ट ऑफ द बैंड है, या कहीं पर भी आप देखें, दिस इज स्टार्ट ऑफ द बैंड एंड दिस इज, या स्टार्ट कह लीजिए या बॉटम कह लीजिए, और यहां पे दिस इज टॉप ऑफ द बैंड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में. यहां से ये स्टार्ट होता है, सो इट इज द बॉटम, और यहां पे ये एंड होता है. हाँ, अगर नियर द सेंटर ऑफ बैंड देखें, वी एंड के इज पैरेलल. नियर द सेंटर ऑफ द जोन वेलोसिटी इज पैरेलल टू के एंड पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड्स. बस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो है केपी मॉडल में वेलोसिटी इज पैरेलल टू वेव वेक्टर बट ओनली नियर सेंटर ऑफ द बैंड या सेंटर ऑफ द जोन. बाकी आप देखते हैं कि अदरवाइज आप देखते हैं कि यहां पे देखें दिस इज नॉट सेंटर, दिस इज नियर टॉप ऑफ द बैंड. तो वेव वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट. इसी तरह अगर हम कहीं और पर भी वेव वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना चाहें, लाइक वी हैव कंस्ट्रक्टेड वेव वेक्टर हियर, तो यहां पर आप देखेंगे कि वेव वेलोसिटी यहां है और वेव वेक्टर ऐसे जा रहा है. तो यहां पर भी इन दोनों की ये जो एंगल, ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के. सो ऑनली नियर द सेंटर ऑफ जोन वेलोसिटी इज पैरेलल टू द वेव वेक्टर. चलिए, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, ये जो एच बार के है इसको हम क्रिस्टल मोमेंटम कहते हैं. एच बार के इज कॉल्ड क्रिस्टल मोमेंटम. अच्छा, ये देखें कि ये वाला ऊपर वाली जो डायग्राम है, दिस इज ई के डायग्राम, और इसके नीचे जो डायग्राम है, दिस इज ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस वेव वेक्टर. एंड ऑब्वियसली वी हैव प्लॉटेड इट फॉर द वैल्यूज ऑफ के फ्रॉम माइनस पाई बाय ए टू प्लस पाई बाय ए. तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं. दिस इज बैंड स्ट्रक्चर, यानी the graph of energy with respect to wave vector. तो इसके corresponding exactly नीचे हमने velocity का graph plot किया है. तो you can see के जैसे जैसे k का value, this is for k is equal to zero, तो जितना जितना हम right hand side में जाएंगे like this, k का value increase होता है. So as k varies from origin, k is equal to zero to the edge of the zone, yani pi by a, to pehle to velocity increase hoti hai, right? Yahan tak, linearly. Uske baad yahan pe maximum value attain karti hai, lekin uske baad kya hota hai? Uske baad decrease hoti hai. To is point ko hum inflection point kehte hain. Ye dekhi. Inflection point of EK curve. The velocity of block electron is maximum at the inflection curve point and the velocity becomes zero again near top of the band. Bottom of the band pe bhi velocity zero hai. Top of the band pe bhi velocity of electron zero hai. सेंटर में मैक्सिमम है.
उस सेंटर पॉइंट को हम इनफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं. नाउ व्हाट इज इनफ्लेक्शन पॉइंट, चाहे आप इसको INFLECTION स्पेल करें या INFLEXION से स्पेल करें, ये एक ही बात है. इनफ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है, जरा आप इस ग्राफ में देखें ऊपर बैंड स्ट्रक्चर, ये पहले कॉनकेव था लेकिन इस पॉइंट के बाद ये कॉन्वेक्स बन जाता है. दिस इज द इनफ्लेक्शन पॉइंट, इसको हम एफ के से डिनोट करते हैं या एफ सी से डिनोट करते हैं. जीरो से लेके इस वैल्यू तक जो एनर्जी का ये ग्राफ था, इट वाज कॉनकेव और उसके बाद ये कॉन्वेक्स बन जाता है. इसी तरह वेलोसिटी का वैल्यू जिस पॉइंट तक इंक्रीज होता है उस पॉइंट को हम इनफ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं. वेलोसिटी रीचेस मैक्सिमम एट द इनफ्लेक्शन पॉइंट और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो एट टॉप ऑफ द बैंड. सो इलेक्ट्रॉन हैज जीरो वेलोसिटी एट बॉटम ऑफ द बैंड एज वेल एज टॉप ऑफ द बैंड. एक्सेलरेशन थ्योरम पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में इसी पे हम आज फिर स्टॉप करेंगे. सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एपेसलॉन से डिनोट करेंगे. व्हाई? बिकॉज एनर्जी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई. सो द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस विल बी चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज है माइनस ई और इलेक्ट्रिक फील्ड है एपिस्लॉन. तो यहां पर हम पावर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहेंगे. पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम. तो पावर विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. और अगर आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हो, पावर इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. कैसे? सी, पावर इज डी डब्ल्यू बाई डी टी. नाउ वर्क डन इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइडेड बाय डी टी. नाउ वी कैन राइट दैट दिस इज एफ डॉट डी एस विच इज डिस्प्लेसमेंट. ये डी टी इसके डिवीजन में रखेंगे. नाउ डी एस बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज वेलोसिटी. सो इट विल बिकम एफ डॉट वी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. सो पावर इज गिवन बाई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. अच्छा, पावर को हम खुद क्या लिख सकते हैं? दिस इज द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम. एनर्जी और वर्क एक ही चीज है. सो चाहे इसको डी डब्ल्यू बाई डी टी लिखें या डी ई बाई डी टी लिखें. यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे डी ई बाई डी टी द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन. दिस विल बी इक्वल टू एफ डॉट वी. सो दिस इज द इक्वेशन दैट वी शैल यूज. सो डी ई बाई डी टी विल बी इक्वल टू फोर्स इज माइनस ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट वी. अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपको पता ही है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो कॉन्सिक्वेंटली वेलोसिटी विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो ई डॉट वी विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. एंड व्हाट विल बी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी? 180 डिग्री, बिकॉज दे आर डायरेक्टेड अपोजिट एंड कॉस ऑफ 180 इज माइनस वन. तो दैट मीन्स के वी विल गेट माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री. कॉस ऑफ 180 डिग्री इज माइनस वन, दैट विल कैंसल दिस माइनस. सो वी विल गेट स्मॉल ई एपेसलॉन वी. सो दिस इज द
चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग कि हम इसको भी 1/h bar डिवाइड कर लेंगे तो ऑन बोथ साइड्स वी विल हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय डीके एंड वी विल डिवाइड बाय डीके, वी विल मल्टीप्लाई बाय एच बार एंड वी विल डिवाइड बाय एच बार। मैं आपको बताऊं हम क्या कर रहे हैं, यहां पे था डीई बाय डीटी, तो इसको हम एच बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एच बार डिवाइड भी करेंगे, इसको हम डी के डिवाइड करेंगे तो वो डी के मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। उसके बाद हम ये डी के और डी टी की जो पोजीशन है डिनोमिनेटर में इसको एक्सचेंज करेंगे, सो वी विल गेट 1/h bar DE by DK into H bar और जो DT बचा उसको यहां ले जाएंगे, उसको DK के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, we will get H bar DK by DT। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड में है E epsilon V, ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट वी गेट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिला 1/h bar DE by DK into H bar DK by DT। नाउ ये तो हमें अभी अभी मिला कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह हम V सबस्टिट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट V into H bar DK by DT इज इक्वल टू EEV, सो विच इंप्लाइज V एंड V दोनों साइड्स में कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट एच बार डी के बाई डी टी इज इक्वल टू ई विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो बेटा क्लास का टाइम खत्म हो गया है, वी विल कंप्लीट इट टुमारो, तो कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, कल हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज difference between metals, semiconductors, insulators और उसी के साथ ये band theory भी complete हो जाएगी।